कंजक्टिवाइटिस कहें या आई फ्लू, यह बीमारी कोई घातक बीमारी नहीं है और 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है, परंतु यही 3 से 5 दिन इंसान को परेशान कर देते हैं। जिसे देखते हुए एक बार फिर हमने इसकी विस्तृत जानकारी लेने के लिए एजर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में अपने सेवाएं दे रहे रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर छाया भारती से विशेष चर्चा की, तो उन्होंने भी यह साफ किया कि यह आम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, और जब यह आई फ्लू हो जाए तो हमें कैसे बचा जा सकता है और इस समय डॉक्टर की सलाह लेना क्यों जरूरी है। बहुत वाजिब सवाल है आपका और बहुत सही है। सबसे पहले तो वो मैं मेडिकल स्टोर वालों को ही बोलूँगी कि अगर आपके पास कोई दवाई लेने आता है तो आप दीजिए मत, अगर उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो आप दीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि आई फ्लू में स्टेरॉइड्स का भी यूज़ हो रहा है, लेकिन वो कौन से स्टेरॉइड्स हैं, लो डोज स्टेरॉइड्स हैं कि हाई डोज स्टेरॉइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन स्टेरॉइड्स को डालने का एक तरीका होता है, एंटीबायोटिक के साथ में है कि उनके बिना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इनको डालने का तरीका होता है, और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो ड्रॉप है वो लो डोज स्टेरॉइड वाली है कि हाई डोज स्टेरॉइड की है। अब ये मेडिकल स्टोर्स वालों को इतना नहीं पता रहता, उनको तो बेसिकली उनका जो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि हमारी दवाई बिकनी चाहिए, फिलहाल के लिए वो कॉन्सेप्ट उनको ड्रॉप करना चाहिए, सबको ले कर चलना चाहिए कि भाई अगर हम किसी को गलत इलाज दे देंगे, गलत दवाई दे देंगे, मान लीजिए बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो गया, उसको स्टेरॉइड वाले ड्रॉप अगर डल गई तो वो तो और बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी कंट्रोल में नहीं आने का, और इसकी वजह से जो है ये कई लोग की जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ भी जा रही है। तो ये मेरा सारे मेडिकल स्टोर वालों से रिक्वेस्ट है कि दवाइयाँ आप प्रिस्क्रिप्शन आने पर ही दीजिए, अदरवाइज़ मत दीजिए। और लोगों से भी सलाह है और एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मान लीजिए अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो डॉक्टर की फ़ीस, तो आप सरकारी में चले जाइए, वहाँ पे भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से दवाइयाँ लिखवाइए और फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आप दवाई लीजिए। इसकी शुरुआत बेसिकली तो एडल्ट से ही हो रही है, बड़ों से ही हो रही है। बड़े जब घर जाते हैं तो बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं तो बच्चों को हो जा रही है, बच्चे जो है वो ग्रुप में खेलते हैं तो दूसरे बच्चों को हो जाती है, फिर बच्चे स्कूल जा, इनिशियली क्या होता है कि पहले दिन में ज़्यादा कोई परेशानी होती नहीं है, हल्की फुल्की आँख लाल होती है, आँख में पानी आता है, तो लोग अवॉइड, बच्चे तो और ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से बाकी लोगों को हो जा रहा है। तो अभी क्या है कि अगर किसी की थोड़ी सी भी आँख लाल होती है, खुजली भी हो रही है, और अगर आँख में सूजन नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन हल्की सी खुजली भी हो रही है, तो डॉक्टर के पास चले जाइए, ये भी एक सिम्टम है। इनिशियल जो है इंसान को अगर खुजली हो रही है तो थोड़ा सा शक कर लेना चाहिए कि कहीं मुझे कंजक्टिवाइटिस तो नहीं हो रहा, जैसे ही ये शक मन में आए तो डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो ये जहाँ से ये शुरुआत हुई तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने आप को एक तो इलाज करवाइए, दूसरा चीज़ अपनी चीज़ मतलब घर में अवेलेबल जो चीज़ें हैं उनको छूइए मत, और अपनी छुई चीज़ें दूसरों को दीजिए मत, तो फिर ये इसकी रुकावट वहीं पे हो जाएगी। जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ 2-3 दिन 4 दिन में हार्डली टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसके बाद आप अपने रूटीन काम में आ जाइए तो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। एक फैमिली के अंदर अगर ये बीमारी नहीं फैलेगी तो बाहर भी नहीं फैलेगी। कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू एक मामूली सी बीमारी है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, और सबसे पहली बात तो डरने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जो रूटीन लाइफ में हम सबको लेने हैं ताकि हम सब बच सकें। और ये बेसिकली 2-3 टाइप का होता है, एक तो बैक्टीरियल है तो पीला पीला मवाद आता है, उसका इलाज अलग है, अगर वायरल है तो थोड़ा सफ़ेद टाइप का मवाद आता है, उसका भी इलाज है, और ये बीमारी 3 से 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर रहेगी ऐसा है, और ये धीरे धीरे जैसे ही इसका इलाज चालू होता है तो कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। जैसे ही आपको महसूस हो कि आँख लाल हो रही है, आँख से पानी आ रहा है, लाइट को देखने में तकलीफ़ हो रही है, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए और अपना इलाज चालू करवा दीजिए। जैसे ही आप इलाज चालू करवाते हैं तो आपकी बीमारी कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार में सब लोगों से घुले मिले, सब चीज़ों को टच करें, या बाहर जाके सब चीज़ों को, ऑफिस में जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं तो सब चीज़ों को टच मत करिए, हो सके तो अपने आप को 2-3 दिन वर्क प्लेस पर मत जाइए, घर में भी थोड़ा लोगों से कम मिलिए, अपने बच्चों और फैमिली से भी थोड़ा सा दूर रहिए, उनकी चीज़ों को टच मत करिए और अपनी चीज़ों को उनको टच मत करने दीजिए, जैसे टॉवल हो गया, साबुन हो गई, और ग्लास हो गया, खाने पीने के बर्तन हो गए, मोबाइल हो गया, पेन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है
इनसे जो इनको आप यूज़ कर रहे हैं उनको दूसरों को यूज़ करने मत दीजिए, तो ये फैलेगी नहीं। रुपए पैसे जो है आपके छुए हुए, बेटर है कि आप मार्केट ना जाएं और ये सब चीज़ों को ज़्यादा टच ना करें, क्योंकि इनसे बहुत जल्दी फैलती है ये बीमारी। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, इनिशियल स्टेप, जब किसी को पता चलता है कि मुझे ये तकलीफ़ शुरू हो गई है।